हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप सबको फुल ग्रोथ और कट लगी हुई थ्रेडिंग के करने का आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनकी थ्रेडिंग बनने से पहले की थ्रेडिंग है जिसमें कट भी लगा है, ये देखिए आप। अब मैं इसमें टेलकम पाउडर लगा रही हूँ और अब हम चलते हैं, थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट साइड की थ्रेडिंग बनाएंगे। ये देखिए, बहुत थोड़े थोड़े बाल लेके हमको बनाना है। कभी भी एक इकट्ठा ही सेब नहीं दे देना चाहिए, थोड़ा से बाल एक्स्ट्रा छोड़ देना चाहिए ताकि हम दूसरी थ्रेडिंग बनाने के बाद हमको जो भी कम या ज़्यादा लगे उसको हम क्लियर कर सकें, इसलिए थोड़े से बाल एक्स्ट्रा छोड़ देना चाहिए। अब हम इस तरह से थोड़े थोड़े बाल निकालेंगे, देखिए। देखिए नीचे की थ्रेडिंग हो गई है, अब हम ऊपर जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको काट देंगे। अब ऊपर हम थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। साइड की थ्रेडिंग बनाने के लिए नीचे से थोड़ा सा खींच देंगे, इस तरह से जिस तरह से इन्होंने खींचा हुआ है, तब बनाने में आसान रहता है। अब हम बीच के बाल निकालेंगे। बीच में बहुत दूर नहीं करना चाहिए थ्रेडिंग को, फिलहाल इनकी थ्रेडिंग पहले से ही दूर है। इस तरह से हम बहुत थोड़े से बाल निकालेंगे बीच में। अब हम दूसरी साइड थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इनको कट लगा हुआ है। ये थ्रेडिंग इनकी कटी हुई है थोड़ी सी, और उसकी अपेक्षा ये थोड़ी सी डार्क भी है, इसका शेप भी नहीं अच्छा है। कभी भी थ्रेडिंग की लंबाई नहीं कम करनी चाहिए, थ्रेडिंग अगर लंबी रहती है तो अच्छी लगती है। बहुत ही ध्यान से बनाना है क्योंकि इनकी थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं है। अब हम ऊपर के बाल एक्स्ट्रा जो हैं उसको कट कर देंगे। अब ऊपर की साइड बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुँचे। ये देखिए, नीचे से मैंने इस तरह से पकड़वा दिया है और साइड के बाल निकाल दे रही हूँ। अब इस तरह से हम दोनों थ्रेडिंग चेक कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा हम उसको
निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी थ्रेडिंग बनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।